ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में व्यवहारिक रूप से नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा है कि एक प्रोडक्ट पर दो टैक्स नहीं लगाए जा सकते। पेट्रोल डीजल और शराब पर टैक्स लगाना राज्य सरकार का अधिकार है। टैक्स को लेकर राज्य को केंद्र के निर्देशों का इंतजार रहता है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर मलैया ने कहा है कि चुनाव से पहले हर बार कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है। दो बातें हैं। एक तो अभी ऐसा कोई कायदा नहीं है कि किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी भी लगे और वैट भी लगे। अब वैट लगाना हमारा अधिकार है। ये जो प्रोविजन है इसमें पेट्रोल डीजल ल्यूब्रिकेंट्स और अल्कोहल ये स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर इसमें परिवर्तन करते हैं कर सकते हैं, वो चाहें तो अपना जीएसटी वो चाहते हैं कि ले लें और हम अपना बैट भी उस पर लगा लें, परंतु तो इसमें क्या होगा अभी ये पूरा समझने की बात है। राजा, बैट टैक्स को सरल करने के लिए बहुत बैठकें होती रही, आप लगातार जाते रहे, अब अगली बैठक कब होगी और क्या क्या और सहायता? अभी अगली बैठक तय नहीं हुई है। इतनी बैठकों में आसानियां तो काफ़ी हुई हैं। जितना पहले कॉम्प्लिकेटेड था धीरे धीरे नया विषय है, पहली बार इतना बड़ा ये काम हुआ है, अब काफ़ी ठीक हो गया है। और अभी या अविश्वास प्रस्ताव तो उनका अधिकार है, पिछले बार भी लाए थे, चुनाव के पहले वो ले आते हैं।